am going to explain you these assignment number 8 and 9 class 5 subject A. Question number 1 is write fill in the blanks with suitable conjunctions. Students, conjunctions kya hote hain? Conjunctions are joining words. Conjunctions kya hote hain? Conjunctions are joining words जिनको हम कैसे use करते हैं, दो words को जोड़ने के लिए या दो sentence को आपस में join करने के लिए conjunctions का use करते हैं, ठीक है? Number one है हमारा he will succeed dash he works hard. तो यदि वह कठिन मेहनत करेगा तो pass हो जाएगा. मैंने क्या बोला कि वह कठिन मेहनत करेगा तो pass हो जाएगा. तो हम यहाँ पर कौन सा कंजक्शन यूज करें, बताइए कौन सा कंजक्शन यूज करें कि जो दो सेंटेंस है इनको हम आपस में कंबाइन कर दें. तो हमने क्या लगाया, इफ लगाया, इफ, ओके, कि यदि वह कठिन मेहनत करता है तो क्या हो जाएगा, सक्सीड मिलेगी, उसे सफलता मिलेगी. नंबर टू, डैश वी मिस्ड द बस, वी मिस्ड द बस, we shall take a taxi. यदि वह बस को खो देगा, यद्यपि अगर वह बस को खो देगा तो क्या लेगा, वो एक टैक्सी ले लेगा. क्या ले लेगा, टैक्सी लेगा. तो इन दोनों सेंटेंस को हमने ज्वाइंट किया, किससे किया, आल्दो से. किससे ज्वाइंट किया, आल्दो से. तो आल्दो हमारा क्या है यहाँ पे, कंजेक्शन है. क्या है बेटा, कंजेक्शन. That's clear. Number three है, I like him. I like him that he is helpful. कि मुझे, मैं उसको पसंद करता हूँ. मैं उसे पसंद करता हूँ, like करता हूँ. क्यों करता हूँ? क्योंकि he is helpful. क्योंकि वह कैसा है? बहुत helpful है. वह सबकी help करने वाला है. तो यहाँ पर एक sentence हमारा ये है. और एक सेंटेंस हमारा ये है. तो इन दोनों सेंटेंस को हमारे किसने ज्वाइन किया है, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसने ज्वाइन किया है, वो हमारा है बिकॉज. बिकॉज, ओके. नंबर फोर है कि ही वाज बहुत हैप्पी, कि वह खुश और होपफुल था. होपफुल का मतलब क्या होता है, आशावादी होना. कि वह खुश और होपफुल है, हैप्पी और होपफुल है, होपफुल था. तो यहाँ पर हमने दोनों जो वर्ड्स है, ये हमारा एक वर्ड हो गया और दूसरा वर्ड हमारा ये हो गया. तो दोनों को आपस में ज्वाइनिंग कर दी, और ज्वाइनिंग किससे करी, एंड में. ये एंड हो गया हमारा कंजक्शन. आई लेफ्ट माई हाउस अर्ली, कि मैंने मेरा घर जल्दी छोड़ दिया. आई लेफ्ट माई हाउस अर्ली, कि मैंने अपना घर जल्दी छोड़ दिया. बट माने लेकिन, बट माने क्या होता है, लेकिन. Still missed the train. लेकिन क्या हुआ, फिर भी बस लेकिन फिर भी मैं ट्रेन को नहीं पकड़ पाया, ट्रेन मेरी मिस हो गई. तो एक सेंटेंस हमारा ये है और दूसरा सेंटेंस हमारा ये है कि मैं घर से जल्दी निकला लेकिन ट्रेन को मैंने मिस कर दिया. यानी कि हमने कंजक्शन कौन सा यूज किया, बट. क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर टू है स्टूडेंट्स, चूज द नेम ऑफ करेक्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स. स्टूडेंट्स आपको यहाँ कोई जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें आपको करेक्ट डिग्री पर टिक लगाना है. आई एम द यंगेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास. देखिए इसकी हिंदी हो रही है कि मैं मेरी क्लास में सबसे यंग स्टूडेंट
वाटरफॉल है इन द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन यू इमेजिन इट टू बी। ताजमहल सबसे अधिक ब्यूटीफुल है जितना तुम सोचते थे, ठीक है। उसकी कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि देखिए यहाँ पर आया है हमारा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल यानी कि ब्यूटीफुल हमारा पॉजिटिव हो गया, मोर ब्यूटीफुल क्या हो गया कंपैरेटिव हो गया, और मोस्ट ब्यूटीफुल अगर यहाँ आता तो हमारा क्या हो जाता सुपरलेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है मोर ब्यूटीफुल आ रहा है, तो ये हमारा हो गया कंपैरेटिव डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, चूज द ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब बतानी है और इंट्रांजिटिव वर्ब बतानी है कि किस में ट्रांजिटिव है किस में इंट्रांजिटिव है। नंबर 1 है कि रवि हिट द बॉल वेरी हार्ड, रवि ने बहुत मुश्किल से बॉल को हिट किया, रवि ने बहुत मुश्किल से बॉल को टक्कर दी या बहुत मुश्किल से मारा। तो देखिए यहाँ पे जो रवि आ रहा है ये हमारा क्या है सब्जेक्ट, रवि हमारा सब्जेक्ट है और हिट क्या है हमारा वर्ब है, हिट क्या है हमारी वर्ब है। रवि ने किसको मारा, किसको मारा बॉल को मारा, तो ये जो बॉल है वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट भी आ रहे हैं वर्ब भी आ रहे हैं और ऑब्जेक्ट भी आ रहे हैं, और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सभी चीजें आती है वो हमारा कौन सा वर्ब कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। तीनों चीजों का होना हमारा बहुत जरूरी होता है तभी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब बनती है। सेकंड सेंटेंस देखिए जो शी आ रहा है वो हमारा क्या है प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट है, ठीक है प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट है, और लाफ क्या है हमारी वर्ब है, लाफ क्या है वर्ब है वे है, और जो लाउडली है लाउडली ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब लग रहा है इसमें हमारा एडवर्ब बन गया। तो वह जोर से हंसा, अब देखिए इस सेंटेंस में ऐसी कौन सी चीज मिसिंग है जिसके कारण ये ट्रांजिटिव नहीं बन पाया, देखिए इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, ठीक है। तो यहां पर हमारा हो गया एंड ट्रांजिटिव वर्ब, एंड ट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर हो गया। नंबर 2 देखिए, माई फादर मिसप्लेस्ड हिज वॉच, माई फादर ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, माई फादर हमारा हो गया सब्जेक्ट, और जो मिसप्लेस है ये हमारा हो गया वर्ब, और देखिए यहाँ पर मेरे पिताजी ने अपनी वॉच को खो दी, किसको खोई वॉच को खोई, तो वॉच हमारा जो है ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, वॉच हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तीनों चीज इज अवेलेबल, तीनों चीज हमारी सेंटेंस में अवेलेबल है, तो यहाँ हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स बाय, थैंक यू।